संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत मंडल में सड़कों पर चल रहे वाहन नियमों का पालन करें, अन्यथा किसी भी स्थिति में उनके परमिट निरस्त किए जाए। मंडलायुक्त ने ओवरलोडिंग रोकने की दिशा में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मंडलायुक्त ने ओला संचालकों को निर्देश दिए हैं कि एयरपोर्ट से यात्रियों के आवागमन की सुगमता के दृष्टिगत ओला संचालित करें, और इस संबंध में उन्होंने एयरपोर्ट के मैनेजर से वार्ता कर एक काउंटर आवंटित करने को कहा। उन्होंने आरटीओ को एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी केवीएन पांडे ने सुझाव दिया कि महानगर में ओला भी संचालित करना उचित होगा। आयुक्त ने इस सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुए इसे प्रमोट करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि ग्रामीण अंचल के ऑटो का शहर में प्रवेश वर्जित हो तथा नगर निगम एरिया में केवल CNG ऑटो को ही परमिट दिया जाए। इसके अतिरिक्त गोरखपुर जनपद में भविष्य पंजीकृत होने वाले स्कूली बसों के लिए CNG ही बसों का प्रयोग हो। बैठक में जिलाधिकारी के विजय पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, SPCT डॉक्टर कौस्तुभ, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित मंडल के सभी जनपदों के ARTO एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 23-12 से 20-3 2020 के बीच लगभग 3 महीने में तक 217 चालान ऑटो के पुलिस विभाग के द्वारा किए गए हैं। 43 वाहन विभाग के द्वारा सर 161 के चालान किए गए हैं। 10 वाहन बंद किए गए हैं। 34,000 रुपये का दंड शुल्क प्राप्त हुआ है और 32,000 रुपये का जुर्माना प्राप्त हुआ है। 32,000 कैसा लगता है? 32,000 ठीक है? 3 महीने में आप 32,000 रुपये चालान दे पाए, ये चारों जिलों में होगा तो उसमें 1720 वाहनों के चालान कर रहे हैं। एक कमेटी का गठन किया गया था सर, जिसमें ये स्थानीय निर्धारण किया गया था कि जैसे है तो इसमें यह था कि बसों के वहाँ पर पार्किंग सुनिश्चित की जाए सर। लेकिन हमने ओला वाले भी आए हैं सर, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन सर। अनिल द्विवेदी जी से भी हमारी बात नहीं है, राधेश्याम जी हैं सर, कहाँ से ऑपरेशन लिया जाए ये लगा के बोल सकते हैं जो आवाज निकलेगी लगा के मेरे पास ओला आप जो है ना एक और से सर उसे आपको क्या चाहिए? काउंटर ही तो चाहिए। जी 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 काउंटर चाहिए। काउंटर देखने में क्या प्रॉब्लम है? वो कुर्सी को बीमारी वगैरह मुझे बोलते सर कि यहाँ पे उनकी बैठक वगैरह होगी तो ये रहेगा। क्या सिक्योरिटी, कितना सिक्योरिटी नहीं मांग अभी कन्फर्म नहीं किया सर, दोनों सिक्योरिटी मैंने वो कह रहे हैं कि मीटिंग में पता लगेगा। आप क्या बात करते हैं? 200 रुपये मांग रहे हैं कि 2 लाख रुपये मांग रहे हैं? आप इंटरेस्टेड नहीं है क्या? नहीं इंटरेस्टेड है सर। आपको कैसे नहीं पता कि सिक्योरिटी मनी कितना मांग रहे हैं? अब ये तो सर उनसे अभी बरौरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि अभी हम बोर्ड की मीटिंग बैठेगी उसमें डिसाइड कर सकते हैं इसको। क्या चीज़ वो मतलब एक काउंटर देंगे जी या फिर आपके या फिर आपके द्वारा बताई किया जाए क्या भाई या फिर की डेट कम दे रही या ऐसे आप तो नहीं इंटरेस्ट देना चाहिए ना, और आप यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप एयरपोर्ट डायरेक्टर से बात करिए। बात किए है कितना है सिक्योरिटी जमीन है हमारा आप सेट आप कुछ मदद कर सकते हैं बड़ा हो जाएगा एक तो दुकान आप खोल लेंगे आराम से छाई पानी तो चलता रहेगा, पार्किंग से इतने मुक्ति मिलेगा चारों तरफ वाले जमीन पे। नहीं पार्किंग कहाँ की है आपको? चारों तरफ में चलते हुए तुरंत देख सकते हैं, लेकिन यदि वहाँ नहीं मिलता है तो फिर कहीं हमें और करना पड़ेगा। अंदर भी एक काउंटर छोड़ा था मिल जाए सर, वहाँ पे सर खड़ा होने के लिए चारों तरफ वाले जमीन पे तो कई बार डिस्कशन हुआ है सर, मौके पर भी जाके देखते हैं। और आप गाड़ियाँ अपनी वहाँ खड़ी कर दीजिए, कुछ मुझे जितना का कोई पॉइंट है आप लोग आपस में मतलब वो ऊपर छोड़ मत दीजिए ना, जाइए मिलिए मीटिंग फिक्स करिए बताइए कोई अलग का भी कुछ।